The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, बातचीत हो रही है एलर्जी के बारे में. एलर्जी ब्लड टेस्ट, एलर्जी के लिए कौन सा टेस्ट आता है? ब्लड टेस्ट. हमने ऑलरेडी देखा है कि एलर्जी बहुत कॉमन चीज़ होती है, क्रोनिक कंडीशन होती है, बॉडी की इम्यून सिस्टम के वजह से होती है. तो ऐसी चीज़ें टेस्ट की जा सकती है कि आपके इम्यून सिस्टम में कि आपके इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है, ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन तो नहीं बना रहा, ज़्यादा खतरनाक तरीके से पुलिस वाले पकड़ के तो नहीं रखे हुए हर नाके पे, राइट? ये दिल्ली है या गाँव खेड़ा है, वॉट एवर इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी कैन बी टेस्टेड. सो देर आर वेज, राइट? सो किस चीज़ से एलर्जी है उसके टेस्ट अलग हैं, वो हमने ऑलरेडी पहले बताए हैं. आपका स्किन टेस्ट और प्रिक टेस्ट और पैच टेस्ट और इंजेक्शन इंट्राडर्मल टेस्ट, और ये टेस्ट है ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट में आपका इम्यून सिस्टम जो है, कोई भी अगर गड़बड़ी आती है, कोई भी इस तरीके का एलर्जन आता है, तो वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन. ई फॉर एलिफेंट वाला इम्यूनोग्लोबुलिन, IgE. तो IgE लेवल्स अगर आपके बड़े हुए हैं, दैट मीन्स यू हैव एन एलर्जिक टेंडेंसी. अब किससे एलर्जी है वो अलग चीज़ है, एलर्जी है वो ये है, राइट? सो कई सब्सटेंसेज आपके एलर्जी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकती है, किसी को खाने पीने से, किसी को दवा से, किसी को एनवायरमेंट वाली चीज़ों से, किसी को लाइफ थ्रेटनिंग टाइप एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, किसी को माइल्ड रिएक्शन. सो सभी में हमें IgE लेवल बढ़े हुए दिखेंगे. IgE लेवल बहुत ज़्यादा मीन्स मेजर एलर्जी, माइल्ड मतलब माइल्ड एलर्जी, सेम थिंग. IgE एलर्जी टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या फिर क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी चाहिए हमें IgE की, कितनी लेवल है, और इम्यूनोग्लोबुलिन ई, टोटल IgE, स्पेसिफिक IgE, ऐसे नाम्स हैं इन टेस्ट के, ब्लड टेस्ट. अगेन, क्यों होता है एलर्जिक, स्पेसिफिक एलर्जिक टेंडेंसी पकड़ने के लिए? किसको कराना है? उन्हीं लोगों को जिनको बार बार एलर्जी होती है, चाहे नाक की हो, स्नीजिंग हो, वॉटरी आईज हो, हाइव्स हो, डायरिया हो, या पेट वाली हो, कफ वाली हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाली हो, एलर्जिक अस्थमा हो, ऐसे लोगों को ही करानी चाहिए ये टेस्टिंग. डॉक्टर पहले आपका हिस्ट्री लेंगे, चेकअप करेंगे, उसके बाद ब्लड निकालेंगे, ब्लड में IgE लेवल्स करे जाएंगे. अब रिजल्ट में क्या होता है? टोटल IgE लेवल हाई, नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब आपको कुछ तरीके, सम काइंड ऑफ एलर्जी है, बट इसका मतलब ये नहीं है किससे एलर्जी है, नहीं पता चलता, राइट? ये आपको, और एक स्पेसिफिक IgE टेस्ट होता है, स्पेसिफिक IgE जो बता सकता है कि किस पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जन है, राइट? तो IgE टोटल और IgE स्पेसिफिक, ये भी होते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कहाँ होते हैं कहाँ नहीं होते, रिमेंबर दैट, राइट? और इसके साथ आपकी हिस्ट्री, और एक डॉक्टर आपको फिर ट्रीटमेंट प्लान दे सकते हैं. आपका ट्रीटमेंट प्लान से का चेकअप भी रेगुलरली किया जा सकता है IgE लेवल्स से, कि आपके IgE लेवल्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. अगर वो कम हो रहे हैं, दैट मीन्स वॉट एवर यू आर डूइंग ट्रीटमेंट इज़ वर्किंग, और एल्स नहीं, राइट? अगर आपको सीरियस एलर्जी है तो ये टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपको इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, जो चाहे आपका एपिनेफ्रिन का पेन रख के हो, या वो एलर्जन से बच के हो, एलर्जी टेस्टिंग, स्किन टेस्ट, पैच टेस्ट करा के हो, या आप हमेशा के लिए ठीक होना चाहते हैं, अपने एलर्जी शॉट्स को ट्राई देना चाहते हो, वो भी कर सकते हो. एलर्जी शॉट्स एक बेसिक क्रोनिक टेक्निक है, जिसमें आपको जिससे एलर्जी है वही छोटी छोटी मात्रा में एक्सपोज किया जाता है लंबे समय, 6 महीने, साल भर, और उम्मीद की जाती है कि आपका जो सिस्टम है उसको रेजिस्ट करना सीख लेगा और आपकी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी. कईयों में हो जाती है, कईयों में नहीं होती, बट देन इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट, राइट? सो ये हुई बातचीत एलर्जी स्किन टेस्टिंग की. अगेन, IgE स्किन टेस्ट एक एलर्जी डिटेक्ट करने का टेस्ट है. IgE लेवल्स आपका रिएक्शन बताता है, स्पेसिफिक IgE लेवल बता सकता है किस चीज़ से रिएक्शन आ रहा है. ऑल दीज टेस्ट आर द ब्लड टेस्ट. इसके अलावा आपका इओसिनोफिल काउंट्स भी बढ़ा हुआ हो सकता है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट्स या इओसिनोफिल काउंट्स, कंप्लीट ब्लड सेल्स, कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC, कंप्लीट हीमोग्राम वाले टेस्ट में भी आता है, उससे भी एक आइडिया मिलता हो कि यू माइट बी हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन, राइट? सो ये हुई बातचीत ब्लड टेस्ट इन एलर्जिक रिएक्शंस की. बाकी सारे एलर्जीज के वीडियोज़ हमारे ऑलरेडी हमने कवर्ड है. अगेन, आपको पता ही है हर वीडियो को लाइक करना है ताकि यूट्यूब में वो सारे शेयर हो सके. हर जगह लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिवेंशन, नॉलेज इज़ प्रिवेंशन. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी, गाइज़.